देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बहादुरगढ़ में ढोल नगाड़ों की थाप पर भाजपा का झंडा लेकर अभिनंदन करते ग्रामीण। सुमेरपुर में कमल संदेश यात्रा के प्रभारी युवा मोर्चा के महामंत्री के नेतृत्व में वाहन रैली का आयोजन। सिद्धार्थनगर में BSP लोकसभा प्रभारी का बयान छपने के बाद भाजपाइयों में नाराजगी। छिंदवाड़ा दशहरा मैदान में हुआ मुख्यमंत्री कन्या विवाह, सभी धर्म और जाति के 1384 जोड़े परिणत सूत्र। और बुलंदशहर में BJP ने विजय संकल्प बाइक रैली का किया आयोजन। हापुड़ में बहादुरगढ़ क्षेत्र के आलम नगर में ढोल नगाड़े की थाप पर भाजपा का झंडा लेकर अभिनंदन किया गया। विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान में अंगद का पैर जमाकर भारत की ताकत का एहसास दिलाकर वापस आने पर मनाया गया जश्न। हापुड़ के बहादुरगढ़ क्षेत्र के आलम नगर में ढोल नगाड़ों की थाप पर भाजपा का झंडा लेकर अभिनंदन करते ग्रामीण। हापुड़ से संवाददाता आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट, HBN न्यूज। सुमेरपुर में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिग्विजय सिंह के आदेश अनुसार युवा मोर्चा के सुमेरपुर शहर के कमल संदेश यात्रा के प्रभारी युवा मोर्चा के महामंत्री अशोक सुथार के नेतृत्व में वाहन रैली का आयोजन किया गया। सुमेरपुर में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिग्विजय सिंह के आदेश अनुसार युवा मोर्चा के सुमेरपुर शहर के कमल संदेश यात्रा के प्रभारी युवा मोर्चा के महामंत्री अशोक सुथार के नेतृत्व में वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शहर के युवा मोर्चा और BJP के कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जोश और उमंग के साथ वाहन रैली का आयोजन किया। वाहन रैली को जिलाध्यक्ष करण सिंह नेत्रा, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर कमल संदेश यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली में भाग लिया। सिद्धार्थनगर जिले के BSP लोकसभा प्रभारी आफताब आलम का एक न्यूज़पेपर में बयान छपने के बाद से जिले के भाजपाइयों में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। सिद्धार्थनगर जिले के BSP लोकसभा प्रभारी आफताब आलम का एक पेपर में बयान छपने के बाद से जिले के भाजपाइयों में नाराजगी है। जिले के भाजपाई उन्हें देशद्रोही बताने में लग गए। भाजपाइयों ने एक स्वर में मांग की है कि जो देश की सेना पर यकीन ना करता हो उसे जिले की लोकसभा से किसी भी पार्टी को प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए। बता दें कि 2 दिन पहले पाकिस्तान पर सेना द्वारा दिए गए एयर स्ट्राइक के बाद एक पेपर में जिले के BSP लोकसभा प्रभारी आफताब आलम उर्फ गुड्डू भैया का बयान छपा था कि उन्हें सेना द्वारा कार्यवाही का सबूत चाहिए सरकार से। इसी बयान के बाद से जिले के भाजपाइयों में नाराजगी मिली। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद हमारा एक पायलट जो इनके यहाँ छूट गया था पाकिस्तान नतमस्तक होकर के, उसको आज खुद अटारी बॉर्डर पे लेकर के आया है उनको छोड़ने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग की ये खुशी हुई, और जिसका पुतला फूंका गया हमको तो लग रहा है कि पाकिस्तान ने इसको डुमरियागंज से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया है, और जो ठगबंधन यहाँ पे बना हुआ है उससे उसको प्रत्याशी बनाया जा रहा था जिसका नाम आफताब आलम है, और वह हमारे देश के जवानों पे शक कर रहा है। और आपको पत्रकार मीडिया द्वारा पता चला होगा, उसने बयान दिया है कि ऐसा कोई भी कार्य हमारी सेना ने नहीं किया है जिसकी कोई सबूत हो। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता अपने सेना पे जी जान और आत्मा से विश्वास करती है। फूका क्यों फूका है? हमने पुतला आफताब आलम का फूका है, जो गठबंधन से प्रत्याशी हैं। उन्होंने सेना पे भारत में रहते हुए आरोप लगाया है, और सेना भारतीय सेना के रहते हम लोग चैन की नींद सोते हैं। आफताब आलम ये लगता है कि राष्ट्र विरोधी है, इसलिए सेनाओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि हमको सबूत चाहिए कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला करके लगभग 300 आतंकवादियों को नष्ट किया है, मारा है, ये हमको सबूत चाहिए। जिले के युवा भाजपाइयों ने BJP के नगर संयोजक सुनील अग्रहरी और अनिल अग्रहरी अजय सिंह के नेतृत्व आफताब आलम का पुतला शोहरतगढ़ विधानसभा के
तुलसियापुर चौराहे पर फूका। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आफताब आलम मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बीएसपी लोकसभा प्रभारी को देशद्रोही तक बता डाला। आपके एक बयान को लेकर के भाजपा के लोग जो है वो आपका पुतला वगैरह चला रहे हैं, क्या बयान था सर? देखिए, जो हमारा बयान था, यहाँ पे सहारा के संपादक जी ने हमें फोन किया था और उस फोन पे उन्होंने पूछा कि जो घटना घटी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो मैंने यही उनसे बोला कि ये हिंदुस्तान, एक हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़ा दुखदायी बात नहीं हो सकती है, दुखद समाचार कि 40 जवान मरे हैं, वो किसी परिवार के बेटे हैं, वो हमारे घर के बेटे हैं। और मैंने इस पे ही उनको बयान दिया, मैंने कोई लिखित बयान नहीं दिया। और जब उन्होंने जो है पेपर में निकाला, तो जो पेपर में निकला है सबने देखा है कि क्या बात है, अपने तरफ से वो क्या लिखा उन्होंने ये मुझे नहीं पता है। और इस पे यहाँ के वर्तमान सांसद माननीय जगदम्बिका पाल साहब, वो जगह जगह अपने कार्यकर्ताओं को उकसा के हमारी पुतला फुकवाना, और जो कि आज़ादी की लड़ाई में हमारे परिवार के लोगों की सहयोग रही है। मैं खुद भी जो है गोरखपुर से, मैं पिपराई से चुनाव लड़ा, हमेशा सर्व समाज के सम्मान में रहता हूँ, और एक मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान के लिए मैं हमेशा, आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि पार्टी से हट के आज भी हम सरकार के साथ, अपने देश की सेना के साथ और पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं हम लोग। राजनीतिक मुद्दे पे बनाना एक ये उनका चुनावी स्टंट हो सकता है। मतलब आपका ये कहना है कि जो खबर छपी है कि आप जो पुलवामा हमले के या एयर स्ट्राइक के जो आप सबूत मांग रहे थे, ये पूरी तरह निराधार है? कि मैं सबूत तो मांगा ही नहीं, मैंने एक चीज कही थी कि इतनी बड़ी घटना घटी है और सरकार को बहुत मजबूत तैयारी में अब रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की रक्षा के लिए जो भी इंतजाम होता है वो वर्तमान सरकार ही करती है। तो मैंने सरकार पे बोला था कि सरकार को मजबूत व्यवस्था आगामी करना चाहिए, मैंने और तो कोई बात कही नहीं जो है। और अगर मैंने कोई लिखित बयान दिया हो तो वो सार्वजनिक तौर पे उसको उजागर करें, फिर इसको चुनावी स्टैंड बना देना, जो कि हम लोग खुद भी कटिबद्ध हैं, हमारी नेता बहन सुश्री मायावती जी ने बहुत मजबूत तरीके से, और देश की सारी विपक्ष पार्टियां आज सरकार के साथ खड़ी हैं। लेकिन सबने देखा इस चीज को कि इतनी बड़ी घटना घटा, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी खुद भी, स्वयं भी उनकी अलग दौड़ा चल रहा था, इनके जो चीफ मिनिस्टर है उनका अलग दौड़ा चल रहा था, इनके प्रदेश अध्यक्ष का दौड़ा अलग चल रहा था। तो ये कहीं कथनी करने में ये जो आरोप मेरे ऊपर यहाँ के सांसद जी लगा रहे हैं, वो पहले अपने गृहबान में झांक के देखें। मैं आज भी जो है यहाँ की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, आज भी मरते दम तक जो है अपने देश के साथ में हूँ, अपनी सेना के साथ में हूँ। सिद्धार्थनगर से जिला संवाददाता सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। दशहरा मैदान छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह का सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी धर्म जाति के 1384 वर वधु सम्मिलित हुए। छिंदवाड़ा में दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का समापन हुआ। सभी धर्म और जाति के 1384 जोड़े परिणय सूत्र में बांधे गए। दरअसल दशहरा मैदान छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी धर्म जाति के 1384 वर वधु सम्मिलित हुए। नगर निगम टाउन हॉल से बारात निकाली गई, वर वधु पक्ष को स्वल्पाहार कराया गया। देखने लायक नजारा था जब दो दूल्हों ने ऊंट पर सवार होकर अपना एक नया अंदाज दिखाया। इसके बाद 15 घोड़े, 4 बग्घी, ऑटो बस और दो पहिया वाहन से बारात कार्यक्रम स्थल दशहरा मैदान पहुंची और कुछ वर वधु पैदल ही विवाह स्थल तक पहुंचे। सभी वर वधु का अपने धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक विवाह कराया गया। इसी दौरान बारातियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी कराई गई। इस दौरान दशहरा मैदान में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इसी कड़ी में प्रदेश के सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री लखन धनघोरिया के साथ पूर्व मंत्री और विधायक दीपक सक्सेना भी मौजूद रहे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा वधु को 51,000 की राशि, एक सिलाई मशीन, एक मंगलसूत्र, 5 बर्तन, एक जोड़ी पायल और एक बिछिया दी गई। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से संवाददाता समीर सोनी की रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी ने विजय संकल्प बाइक रैली का आयोजन किया। बाइक रैली में पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भाग लिया। बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी ने विजय संकल्प बाइक रैली का आयोजन किया। बाइक रैली में पार्टी के सभी कार्यकर्ता
और पदाधिकारियों ने भाग लिया। भाजपा की विजय संकल्प बाइक रैली गंगानगर स्थित भाजपा के जिला कार्यालय से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। बाइक रैली में भाजपा के जिलाध्यक्ष हिमांशु मित्तल, बुलंदशहर के सदर विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही समेत पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। विजय संकल्प बाइक रैली में भाजपा के सभी पदाधिकारियों ने फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया। बुलंदशहर से संवाददाता अशोक कुमार की रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए एचबीएन न्यूज। आप देख रहे हैं HBN News, जो सच वही खबर।